तो आज हम लोग आ गए हैं यामाहा के शोरूम और इंडिया में बिकने वाली सारी यामाहा बाइक्स के बारे में अच्छे से बात करेंगे, उनके फीचर्स जानेंगे, उस बाइक में क्या पावर है वो जानेंगे, उनके इंजन डिस्प्लेसमेंट को जानेंगे, उनके प्रोज एंड कॉन्स को जानते हुए साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस बाइक को लेने में आपको कितना डाउन पेमेंट करना होगा और आपकी कितनी ईएमआईज आएंगी। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज सैम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स और आप सभी लोगों को हमारा क्या पिस्टन सलाम बॉस। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और चल करके मिलते हैं मिस्टर अली से। हेलो अली, हाउ आर यू? हेलो सर, हाउ आर यू? ये अली हैं, ये यहाँ पे यामाहा का शोरूम देखते हैं और ये आज के वीडियो में हमारी हेल्प करने वाले। कैसे हो अली आप? आई एम फाइन, आई एम फाइन। एकदम बढ़िया, आई एम गुड, थैंक यू सो मच। तो अली, अब जबकि आप R15 के पास में खड़े ही हो तो क्यों ना सबसे पहले हम इसी से शुरू कर देते हैं। अब इस बाइक की अगर आप इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें, इसमें आपको मिलता है 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर SOHC इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 18.6 PS का पावर और उसी के साथ प्रोड्यूस करता है 14.1 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। इस बाइक के अंदर आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है जो कि 150 सीसी बाइक में देखने को थोड़ा सा कम ही मिलता है। अब अली भाई, अब आप मेरे को इस बाइक के फीचर्स के बारे में बताओ कि इस बाइक के अंदर क्या क्या फीचर्स है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको 155 सीसी सेगमेंट में मिलता है, प्लस आपको इसमें डुअल डिस्क डुअल एबीएस चैनल के साथ आता है। और अगर मैं आगे की बात बताऊँ, फ्रंट आपको फ्रंट हेड देख लीजिए, फ्रंट में आपको इसमें LEDs मिल जाती है फ्रंट, एंड आपको नीचे एक वाइज एयर टाइप आपको मिल जाता है सॉफ्ट के लिए, प्लस आपको हैंड मिरर मिल जाते हैं एंड बड़ा वाइजर है जिसमें आपका लुक इन्हेंस करता है, जो आपको एयर एरोडाइनमिक लुक देता है। प्लस अब मैं इसकी बात करूं तो इसमें आपको अगर आप चाबी ऑन करेंगे तो इसमें आपको मिलती है नेगेटिव डिस्प्ले, जो आपको व्यू आपको विजिबल रहेगा, आप कितने ही धूप हो कितना ही आपका मतलब ब्राइट हो तब ये विजिबल इजीली रहेगा। ओके, अब इस बाइक को स्टार्ट भी कर लेते हैं जब हम लोगों ने इतनी ज्यादा बातें करनी है तो। ओके, काफी ज्यादा स्मूथ, काफी ज्यादा रिफाइंड, बिल्कुल। तो इसमें आपको स्लीपर क्लच का ऑप्शन भी मिलता है। दूसरी चीज, अब आ जाते हैं टायर, अलॉय टायर मिल जाते हैं आप, इसमें आपको साइड स्टैंड सेंसर भी ऐड है। ओके, ठीक है सर, जो BS4 में नहीं था, अभी कलर भी न्यू है, इसमें फीचर भी ऐड हुए, तो वो साइड स्टैंड सेंसर भी आप काउंट करेंगे। ओके, तो मतलब अगर आप साइड स्टैंड आपका खुला है तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी? नो सर, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जैसे आप गियर डालेंगे इंजन कट ऑफ ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपकी गाड़ी आगे नहीं, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और इसमें अगर हम पीछे आते हैं तो यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़िया सा इनको दिया गया है एयर को काटने के लिए, और यहाँ पे R1 से इंस्पायर्ड आपको टेल लाइट भी मिल जाती है। ये आपको रहेगी 1,78,500 रुपीस की ये बाइक आपको यहाँ पर ऑन रोड पड़ जाएगी। और अगर हमें इसकी डाउन पेमेंट देनी है, अगर हमें इसे फाइनेंस कराना हो तो उसकी क्या फैसिलिटी है अली भाई? अगर आप डाउन पेमेंट कराते हैं तो सर आपको अराउंड 50,000 इसमें देना होगा, 50,000 डाउन पेमेंट। और अब आप कितना भी जा सकते हैं, आप 8,90,000 आपको जो EMI रहेगी वो पर मंथ जो आपकी किस्त रहेगी वो अराउंड 11,000-12,000 रहेगी इन अ ईयर, एक साल की है। एक साल तो ये बाइक यहाँ पर अवेलेबल है यामाहा के शोरूम में विच इज इन खानपुर, और इस शोरूम का जो एड्रेस है वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अलॉन्ग विद द प्राइस लिस्ट, आप इसे आकर के यहाँ पर देख सकते हैं। तो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट बाइक जो कि इसी का कजन भी कहा जाता है, उस बाइक का नाम है यामाहा MT-15। हमारी जो अगली बाइक है वो यामाहा की नेकेड स्ट्रीट बाइक है, हम लोग बात करने जा रहे हैं यामाहा MT-15 के बारे में जो हमारे सामने यहाँ पर दो कलर्स में बहुत ही खूबसूरत सी खड़ी हुई है। इस बाइक में और R15 में फर्क सिर्फ इतना है कि ये बाइक जो है ये एक नेकेड कैटेगरी की बाइक है और वो एक फुली फेयर्ड बाइक है। MT-15 में भी आपको 155 सीसी का BS6 सिंगल सिलेंडर DOHC इंजन मिल जाता है जो कि प्रोड्यूस करता है 18.2 PS का पावर और उसी के साथ साथ प्रोड्यूस करता है 13.9 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। इस बाइक में भी आपको 150 सीसी की बाइक में आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स मिल जाता है, इस बाइक में आपको डुअल डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं विद सिंगल चैनल ABS, और इस बाइक का जो वेट है वो एक्सट्रीमली लाइट है, दिस इज एक्सट्रीमली लाइट वेट मशीन, दिस इज जस्ट 138 kg। उसका जो हेड रहेगा वो आपका इसमें प्रोजेक्टर लैंप दिया हुआ है जो आपका ऐड है R15 के कंपैरिजन में। मीटर पर अगर आप आते हैं डिस्प्ले पे तो सेम डिस्प्ले है, सेम इंडिकेटर आपको मिलेगा, गियर इंडिकेटर मिलेगा, RPM मिलेगा। इसे टैंक भी देख लो, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती से बनाया गया, इसकी एरोडायनेमिक्स भी काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, यहाँ पर आपको बैठने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ग्रिप मिल जा रही है, कवर हो जाते हैं। हाँ। आप देख सकते हैं, आप जैसे वो वाला पैर देखिए, आप यहाँ पैर देखिए, अगर आप कुछ अगर आप कहीं भी
गॉड फॉरबिड अगर आप कहीं लड़ भी जाते हो थोड़ा बहुत तो आपको मतलब ज्यादा चोट नहीं आनी है बिकॉज आपका जो टैंक है वो आपको कवर करे हुए है। तो ज्यादा खूबसूरत सी टेल लाइट यहाँ पर आपको मिल जाती है जो कि ऐसे पुरानी CBR की तरह लग रही है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट सिस्टम काफी ज्यादा बढ़िया मिल जाता है, काफी कॉम्पैक्ट बाइक है। इसका जो ऑफिशियल नेम है वो आइस वर्मिलियो है। आइस वर्मिलियो, ओके। तो आइस वर्मिलियो की जो प्राइसिंग है बोला है 1,68,000 रुपीज ओनली। और अगर इसको हमें डाउन पेमेंट करना है तो अप्रोक्सीमेटली वही आपका जैसे R15 का था सेम आपका। R15 पे मैं एक बात और बताना चाहूंगा, R15 में जैसे 50 थी तो इसमें जैसे 10,000 माइनस है, मतलब R15 की 50 गई तो उसमें आप 45-40 अराउंड ले सकते हैं, 40-45 डाउन पेमेंट हो जाएगा। ओके तो ये भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया बाइक है। अगर आप लोग कोई नेकेड कैटेगरी की बाइक देख रहे हो, अगर आपको ऐसी लाइट वेट मशीन लेना चाहते हो जिसमें काफी ज्यादा बेहतरीन सा पावर हो, लाइट वेट हो, एडवांस हो, दिखने में बहुत ज्यादा बढ़िया हो, तो मेरे हिसाब से MT-15 एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए क्योंकि दिखने में बाइक काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यामाहा की FZ-S25 के बारे में। FZ को इंसान, हर एक इंसान ना मोटे टायर वाली गाड़ी के नाम से जानता था। जब ऐसे नई नई बाइक शुरू हुई थी तो सबसे चौड़ा टायर जो मुझे दिखा था मुझे FZ में दिखा था, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बीफी बाइक लगती थी। अभी ये बाइक काफ़ी ज़्यादा एडवांस होकर के आ गई है, तब ये बाइक काफ़ी ज़्यादा रॉ हुआ करती थी। इस बाइक के अंदर आपको मिलता है 250cc का सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन जो प्रोड्यूस करता है 20.5 ब्रेक हॉर्स पावर और 20.1 न्यूटन मीटर से टॉर्क। ये 250cc कैटेगरी की बाइक है लेकिन इस बाइक में आपको मिलता है 5 स्पीड गियर बॉक्स। इस बाइक को आपको देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा बीफी बाइक है लेकिन इस बाइक का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। इस बाइक का वेट है 158 kg का जो कि एक बढ़िया वेट है। इसमें आप देखो इसमें आपको काफ़ी सारी एक्सेसरीज भी मिलती हैं। अली भाई ये सारी जो फीचर्स हैं एक्सेसरीज हैं ये आपको ऑलरेडी लग के मिलते हैं या फिर आप इसको अलग से आपसे आफ्टर मार्केट लगवाते हो? एक्चुअली सर क्या है, ये आपका कंपनी फिटेड आएगा, इसमें आपको कंपनी से फिटिंग मिलेंगी। क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ओके आपके इसमें एक गार्ड्स आएंगे तो कंपनी की तरफ से, कंपनी की तरफ से ऐड है। सेकेंड ये आप देख रहे हैं इसमें लैग गार्ड, ये आपका हमने लगाया है, ठीक है सर, ये कंपनी की तरफ से ऐड नहीं है, ये हमने लगाया है। ओके ये और इसमें एक और चीज़ ऐड है जो कंपनी की तरफ से हमने लगा के दी है, वो आपका फ्लैशर 3D फ्लैशर LED लाइट और प्लस बाकी तो सर ने बता ही दिया है। आप इसके आगे वाले लुक के बारे में बताओ, ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा लग रहा है। ये देखो आप कितना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लग रहा है कि ऐसे लेंस है कैमरे के लेंस, उसमें से बढ़िया सी आपकी लाइट निकल रही है। ऐसा मतलब मैंने तो नहीं सोचा था कि कभी ऐसे आपको बाइक में ऐसे हेडलैम्प देखने को मिलेंगे। उसके बाद एग्जॉस्ट मोड हमेशा से FZ का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा है, कॉम्पैक्ट रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लगता है देखने में। बाकी ये बाइक अग्रेसिव कम लगती है लेकिन बीफी ज़्यादा लगती है और एक बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल स्पोर्ट्स टूरर भी इस बाइक को आप कह सकते हो। इसको आप लॉन्ग जर्नीज पे भी बहुत ज़्यादा आराम से लेकर के जा सकते हो। तो अब हम फाइनली बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो अली भाई कितने पैसे की है ये बाइक? सर इसकी जो कॉस्टिंग रहेगी वो ऑन रोड रहेगी 1,85,000। 1,85,000। ओके आप इसको काउंट ना करें, ये आप कभी बाद में वीडियो देख के कस्टमर आए कि हमें ये सेम चाहिए तो इसका प्राइस ऐड होगा। ये सारी चीज़ें इसमें आपको नहीं मिलती है जो कि आपको स्टार्टिंग से बताया गया, ये आपको लगा हुआ मिलता है, ये लगा हुआ मिलता है, ठीक है। ये आपकी LED लाइट्स हो गई, LED फ्लैशर कहते हैं, फ्लैशर आपको, और ये हाँ जी ये आपको लगवाना पड़ेगा, ये आपको अलग से लगवाना पड़ेगा, ये इस बाइक को आपको ऑटोमेटिकली लग करके नहीं मिलता है। ये छोटा सा डिस्क्लेमर था। 1,85,000 रुपए की ये बाइक आपको पड़ जाती है करीब। इसमें जो डाउन पेमेंट रहेगी सर वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो आपकी 60 अराउंड रहेगी, 50-60 रहेगी, क्योंकि बिकॉज इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और आपकी जो इसमें मंथली एक EMI बन के आएगी वो आपके अराउंड इन अ ईयर, अगर आपको बताऊँ 12 किस्तें कहते हैं, 12 किस्तें कहा जाता है हमको, पहले जो किस्त होगी, पहले जो भी होगी 15,000 से स्टार्ट होगी। तो अब हम चल रहे हैं अपने स्कूटर के ऊपर बात करने जो कि है यामाहा रे ZR जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस लाइट वेट स्कूटर है। ये खड़ी है अब हमारे सामने यामाहा रे ZR जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत बाइक लगती है। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द मोस्ट स्पोर्टीएस्ट स्कूटर है जो मतलब आज तक के मैंने देखी है। अगर इंजन वाइज बात करो तो इस बाइक में आपको मिलता है 125cc का ब्लू कोर इंजन जो कि प्रोवाइड करता है 8.2 PS का पावर और 9.7 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। ये बाइक दिखने में बवाल है, इसमें बहुत सारे फीचर्स है, इसमें इनफैक्ट आपको यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम भी मिल जाता है जो कि आपके दोनों लिंक्स को अलाइन कर देता है। सबसे पहले इसके स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, ये क्या है?
सर ये है यामाहा का वाई इनिशियल फ्रंट, आपको लाइट दे दिया है जो आपको जब आप इसको इंजन को इग्नाइट करेंगे तो ये सबसे फर्स्ट सपोर्ट ये जलेगी। रेट जो इसका रहेगा वो 99 है, जो इसमें एक इंजन में कंपनी ने ऐड करा है एसएमजी मोटर, एसएमजी मोटर स्मार्ट मोटर जनरेटर जो आपका वर्क करता है सेल्फ में। अगर आप नॉर्मल बाइक को सेल्फ करेंगे तो एक इसमें डिस्टर्बेंस साउंड आएगी वो इसमें नहीं आएगी। इसमें एक और चीज़ जैसे सर ने अभी आपको बताया था यूनिफाइड को मैं एक बार बताना चाहूँगा, UBS यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम, तो ब्रेकिंग सिस्टम को आपका इनहेंस करता है। अगर आप लेफ्ट या राइट जो भी ब्रेक दबाते हैं आपको कॉम्बो ब्रेक वर्क करेगा। स्कूटर का जो प्राइस है वो करीब है 90,098 रुपीज़ ओनली, ये इसका ऑन रोड प्राइस है। और इसका एवरेज भी जो इसका फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है ये स्कूटर, जो कि भागने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अब अली भाई अगर इसको फाइनेंस करवाना है तो कितने पैसे लगेंगे? सर अगर आप इसको फाइनेंस करा रहे हैं तो आपको 25 अराउंड देना होगा, 25,000 रुपये में आपका इजीली फाइनेंस हो जाएगा, इसमें कोई हैवी डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे। एक और चीज़ सर, इसमें आप अगर EMI करवा रहे हैं तो EMI में आपको इन ईयर आपका रहेगा 4,000, 4,000 से 5,000 रुपये इना मंथ रहेगा। ये एक साल का है? ये एक साल में है। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्कूटर है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, और मेरे हिसाब से इसे कोई भी चला सकता है, बीट फीमेल्स, बीट किड्स, बीट यूथ। और अगर स्कूटर लेने का मूड हो तो एक और यहाँ पर स्कूटर खड़ी हुई है जिसके पास अब हम चलने जा रहे हैं, जिसका नाम है यामाहा फसिनो 125। ये 125 सीसी की स्कूटर है जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट स्कूटर है, और इसको आप देखो ये फाइबर बॉडी और प्लास्टिक से बनाई गई स्कूटर है। ये स्कूटर भी सिर्फ 99 केजीज की है, लेकिन जो इसका लुक है वो थोड़ा सा अलग है, ये यूरोपियन स्कूटर्स के ऊपर बेस्ड है इसका लुक। इसको आप देख रहे हो ये थोड़ा सा क्लासिक, आपको थोड़ा सा पुराने फील में ले जाएगी बाइक, जिसमें आपको डिजिटल मीटर भी नहीं मिलता है, इसमें आपको एनालॉग मीटर मिलता है जो कि आपको एक पुराने स्कूटर की याद दिलाता है। तो अब अगर हम इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस स्कूटर में आपको मिलता है 125 सीसी का ब्लू कोर BS6 इंजन, जो प्रोवाइड करता है 8.6 PS का पावर और 9.2 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। तो पावर वाइज इसमें आपको काफ़ी बढ़िया सारा पावर मिल जाता है, और ये आते हैं आपके 2 वेरिएंट और 7 कलर्स में। इसमें आपको ज़्यादा कोई फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं, बट हाँ इसमें आपको फ्रंट में, जैसे कि आप ये देख रहे हो, इसमें आपको फ्रंट में सिंगल डिस्क ब्रेक मिल जाता है, उसके बाद में इसमें भी आपको UBS टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो कि आपकी रेस रडार में थी। इस स्कूटर में आपको मिलता है एनालॉग मीटर, ये देखो मैं आपको यहाँ पर आकर के दिखाता हूँ, जैसे ये है, काफ़ी ज़्यादा क्लासी खूबसूरत सा मिलता है। ये हमने इसको ऑन करा तो ये आपकी लाइट जल जाती है इको मोड की। उसके बाद में ये आपको यहाँ पर फ्यूल गेज मिल जाता है, उसके बाद में हमने इसको ब्रेक दबाया और ये है इसका सेल्फ बटन, हमने इसको दबाया, स्कूटर ने एकदम भी कोई आवाज़ नहीं करी है और स्कूटर स्टार्ट हो गई है। बड़ी बढ़िया सी, इसको मतलब अभी मेरा मूड हो रहा, पता है इसको लेकर कहीं निकल जाओ, येलो टी शर्ट पहनो मैं, येलो स्कूटर है, समझ लो सुबह सुबह आराम से निकल के चला सकते हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा क्लासिक पसंद है तो ये स्कूटर आप आराम से अपने घर ले जा सकते हो। लेकिन उसको ले जाने के लिए अली भाई हमें पैसे कितने खर्च करना है? सर इसमें 90,000 आपको टोटल ऑन रोड प्राइस रहेगा, इसमें जो आपका डाउन पेमेंट रहेगा वो अराउंड 25 से 30 रहेगा, ऑलमोस्ट सेम ही है, 1000 का सेम मॉडल है, सेम सीसी है। प्लस इसमें जो आपका EMI रहेगा वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, 1 ईयर का आपका जो काउंट होगा वो अराउंड 4 से 5 हज़ार, वो भी ऑलमोस्ट सेम ही 4 से 5 हज़ार रुपये का। अब ये FZX का क्या सीन हो रखा है? सर उसकी लॉन्चिंग डेट है 18, वैसे तो कल ही लॉन्च होगी, और उसकी जो टाइमिंग होगी वो आज कोविड को देखते हुए वो ऑनलाइन लॉन्चिंग हो रहा है। यामाहा ने उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया है, जो उसकी टाइमिंग होगी 11, उसको आप रजिस्टर भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। आप यामाहा की साइट पर जाइए, आप उसको प्री रजिस्टर भी कर सकते हैं, अगर आप कल 11 बजे से पहले पहले एक आपको नोटिफिकेशन आएगा तो आपको ऑन कर लेना है, आप भी ज्वाइन कर सकते हो उसको। ओके, तो ये FZX में एक्चुअली चीज़ें क्या है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल FZ? सर ऑलमोस्ट इंजन सेम रहेगा, पावर में हल्का सा एक इंक्रीमेंट आएगा, बॉडीज में आपको मेजर डिफरेंस देखने मिलेगा, बहुत ज़्यादा शेप बदल दिया गया है FZX का। जैसे FZS है ये हमारे पास खड़ी हुई है, इसका शेप देख रहे हो, इसकी लाइट देखो आगे से काफ़ी ज़्यादा, समझ रहे हो ऐसे, मतलब काफ़ी ज़्यादा शार्प लाइट है, बट FZX में आपको ऐसी लाइट नहीं मिलने वाली, इसमें आपको ऐसी गोल लाइट मिलेगी, आपको सर्कल लाइट मिलेगी, सर्कल लाइट मिलेगी, रेट्रो लाइट, प्लस उसमें आपको LED इनबिल्ट होगी, आपकी LED इनबिल्ट होगी। तो ये थोड़े बहुत फंक्शंस है, ये बाइक यहाँ पर 3 से 4 दिन में आ जाएगी, और जैसे यहाँ पर वो बाइक आ जाएगी वैसे ही हम उसका वीडियो लेकर के आपके पास आ जाएंगे।
तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहां पे हमने आपको यामाहा के शोरूम में जितनी भी बाइक्स या फिर स्कूटर्स अवेलेबल थी उनकी सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से बताई। उसी के साथ साथ हमने आपको बताया कि हर एक स्कूटर या बाइक लेने में आपको कितना डाउन पेमेंट करना होगा और कितनी ईएमआई जाएंगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग कोई बाइक लेना चाह रहे हो तो MT-15 बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप लोग R15 से ऑफकोर्स स्विच करना चाहते हो तो, और अगर कोई स्कूटर लेने चाह रहे हो तो फिर यामा की रेस ZR भी एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए। ये जो जगह है जहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ, ये यामा का शोरूम है जो कि खानपुर में है, और इसकी डिटेल्स, इसका सारा एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अलॉन्ग विद द प्राइस लिस्ट। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाकर के सब्सक्रिप्शन वाला बटन दबाओ, और उसी के साइड में जो घंटा है उसको प्लीज़ जाकर के दबाओ, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन अपने डोरस्टेप पे, अपने मोबाइल फोन पे आराम से मिलती रहे। टिल देन, व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज दैट यू गाइस हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। आई विल कैच यू नेक्स्ट टाइम इन सम अदर शोरूम। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।